हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित आज फिर से स्वागत करता हूँ आपको मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग जाएंगे लोग हावड़ा, हावड़ा से जाएंगे लोग। आज लॉन्ग ट्रिप पे मैं निकला हूँ। हावड़ा से हम लोग जाएंगे पटना जंक्शन। पटना में कुछ चीज़ों आप लोग को दिखाना है, और चलिए चलते हैं। जो भी चीज़ रास्ते में मिलेगी वो आपको दिखाते चलूँगा। जैसे हावड़ा ब्रिज, जिसको रविंद्र सेतु के नाम से जाना जाता है, और हावड़ा स्टेशन कैसा है, उसके अंदर से बाहर से सब चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जस्ट मेरे पीछे एसी बस है यहाँ का, गोड़िया से, जो पीछे आपको दिखाई देता होगा लिखा हुआ है गोड़िया से हावड़ा। एसी बस है, काफ़ी सस्ता है यहाँ पे। यहाँ पे तो हर एक चीज़ सस्ता है, मेट्रो दिखाया, सब चीज़, जो भी चीज़ है यहाँ पे सब चीज़ सस्ता है। इसका भी टिकट मात्र 50 रुपये है। 50 रुपये में आपको गोड़िया से हावड़ा तक ले जाता है। तो आइए चलिए आपको एसी बस दिखाएंगे, और चलिए इसमें सफ़र करते हैं। इसके अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं, एसी बस का अंदर का। चलिए आइए चलते हैं। हाँ भाई लोग, तो हम अभी आ चुके हैं हावड़ा ब्रिज के पास, और जस्ट मेरे सामने है हावड़ा स्टेशन। देखिए, शायद दिखाई नहीं देगा क्योंकि ज़्यादा धूप का रोशनी है। और चलिए कुछ जानकारी आपको देंगे हावड़ा ब्रिज के बारे में। आज ये ब्रिज 1936 में शुरू हुआ था बनने के लिए, और 1942 में बन चुका था। और कुछ खास जानकारी इसके बारे में मैं ये देना चाहता हूँ कि ये ब्रिज मात्र 4 पिलरों पर खड़ा हुआ है। जब अंग्रेज सब यहाँ पे आए हुए थे, तो वो लोग ऐसा एक ब्रिज बनाना चाहते थे जो हावड़ा और कोलकाता को कनेक्ट करे, और जे में जो पानी का रास्ता है वो बंद ना हो, सिर्फ या नाव एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाए। इसीलिए ये केवल 4 पिलरों पे बना हुआ है। और एक खास बात इसकी ये है कि इसमें केवल एक भी नट बोल्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। नट बोल्ट की जगह पर ये रिबेट्स नाम का कुछ वस्तु है प्रयोग हुआ है। देख सकते हैं काफ़ी शानदार जगह है, और काफ़ी मतलब 80-85 साल पुराना ये ब्रिज है। लेकिन आज भी लगता है कि नहीं, लगभग 1-2 साल पहले ही बना हुआ है। काफ़ी साफ़ सुथरा, और यहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, फिर भी मैं भी इस साइड में होके वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मेरे सामने सब पुलिस सब भी है, आप लोग देख सकते हैं। ये पुल का नाम है रविंद्र सेतु, लेकिन काफ़ी तर यहाँ पे किसी से भी पूछिएगा रविंद्र सेतु कम ही लोग बता पाएगा, लेकिन ये ज़्यादा फेमस है हावड़ा ब्रिज के नाम से। तो आइए चलते हैं, पुल के ऊपर जाएंगे थोड़ा, और आप वहाँ का दृश्य आपको व्यू दिखाएंगे। हुगली रिवर का भी व्यू उसके ऊपर से दिखाते हैं। चलिए आइए चलते हैं। Oh, 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 oh
दोस्तों, तो फाइनली मैं हावड़ा स्टेशन के अंदर मैं आ चुका हूँ। मेरा ट्रेन खड़ी है 12023 जनशताब्दी एक्सप्रेस जो जसीडीह जाजा होके पटना जंक्शन जाती है। तो इसी में मेरा 2S में सीटिंग है, सीट कंफर्म है जैसे। तो आइए चलिए चलते हैं, आपको दिखाएंगे और आगे आगे क्या होता है जर्नी, हम लोग कैसे होता है, चलिए आइए दिखाते हैं आपको। काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, खाना खाने लगे इसीलिए लेट हो गया था। तो अभी अभी जस्ट अंदर आए हैं, ट्रेन खड़ी है, सीट भी ले चुके हैं। तो आइए जब ट्रेन स्टार्ट होता है तब देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो फाइनली मैं अभी पटना जंक्शन में एंटर कर रहा हूँ, पटना जंक्शन पहुँचने वाला हूँ। चलिए ये चलते हैं। मैं पूरा सफ़र सोया ही रह गया, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। देखिए पूरा चेयर यहाँ है। आइए चलिए चलते हैं स्टेशन पर, आपको दिखाते हैं पटना जंक्शन का नज़ारा। चलिए आइए चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो अभी मैं स्टेशन पे आ गया हूँ, अपने ट्रेन पे से उतर गया हूँ और अभी जाऊँगा अपने रूम के लिए, अपने दोस्त के रूम पे जाऊँगा। तो आइए चलिए चलते हैं, अभी मैं ऑटो पकड़ूँगा बाहर से जाके और बाहर से आपको पटना जंक्शन का दृश्य दिखाऊँगा, पटना जंक्शन है कैसा। चलिए आइए चलते हैं। चलिए चलते हैं अब रूम पे, तो हम जाएंगे रूम पे ऑटो पकड़ के यहाँ से। तो चलिए बाय, टेक केयर सभी को, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा हो। तो चलिए चलते हैं, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ये थोड़ा सा श्री सबको दिखाएंगे बाहर से, उसके बाद चले जाएंगे रूम पर।